हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू, जब ऐसी बारी आती है, जब ऐसे काम करने की बारी आती है, जब ऐसा काम करने का चांस आता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह बोलते हैं? तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्चर, कुछ सेंटेंसेस देखे हिंदी में, जैसे कि आज हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि व्हेन इट कम्स टू, ऐसी बारी आती है, जैसे जैसे जब इंग्लिश अंग्रेजी बोलने की बारी आती तो वह तो आप अटक जाते हो। अक्सर होता है ना, जैसे कि इंग्लिश आप सीख रहे हो या कोई भी काम, ठीक, इंग्लिश आप सीख रहे हो, जब आपको समझने के साथ कुछ आ रहा है, जब बोलने की बारी आती तो आप अटक जाते हो। तो इसको किस तरह बोला जाता है? हमेशा ध्यान रहे, व्हेन इट कम्स के बाद हमेशा आपको वर्ब में आईएनजी यूज करना है। जैसे कि जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू गेट स्टक, तुम आप अटक जाती है, फिर तुम घबरा जाती है, तुम फंस जाती है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो आप अटक जाते हो या घबरा जाते हो या फंस जाते हो। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू गेट स्टक, जब काम करने की बारी आती है तो वे घिसक जाते हैं। कोई काम में जाता है, घर में कोई काम करने वाले हैं सभी घर वाले, तो जब कोई काम करने की बारी आती है तो घिसक जाते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग वे घिसक जाते हैं। वे घिसक जाते हैं मतलब दे मूव, वे घिसक जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई काम आप बनाते हो या फिर कोई प्रोग्राम बनाते हो या फिर कोई पार्टी बनाते हो, तो जब काम करने की, जब काम करेंगे और इसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, तो जब काम करने की बारी आती है, कुछ बनाने की बारी आती है, तो वे तो अक्सर देखते हैं ना कि लोग खिसक जाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू वर्किंग दे मूव, जब काम करने की बारी आती है तो वे खिसक जाते हैं। जब बिल भरने की बारी आती है तो वे गरीब बन जाते हैं। अक्सर ये होता है ना, कोई भी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं रेस्टोरेंट में, कुछ खाते हैं और बोलते हैं कि आप सभी बिल दो अपने आते हैं, तो बिल देने की जब बात आती है तो वह गरीब बन जाता है। व्हेन इट कम्स टू पेइंग बिल मैं गरीब बन जाता, तो ही वो भी चीज बनना होता है बिकम, ही बिकम्स पुअर, वह गरीब बन जाता है। जब बिल देने की बारी आती है तो वह गरीब बन जाता है। जब खाने की बारी आती है तो वे सबसे पहले आती है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई काम होता है, ठीक है, जैसे कि काम होगा तो मना कर देगी, ठीक है, और जब खाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप, कोई पर्सन ऐसा होता है कि काम करने के बारे में तो सबसे पीछे रहता है, और जो काम जब खाने की बारी आती है तो सबसे आगे, तो उसी को ऐसे बोल सकते हैं, जब काम करने की बारी आती है तो वह सबसे पहले आती है। व्हेन इट कम्स टू Doing work या working भी बोल सकते हो। When it comes to doing work, she comes first, वह सबसे पहले आती है। She comes first. जब काम करने की बारी आती है तो वह सबसे पहले आती है। When it comes to come, तो सी कम्स पर वे सबसे पहले आते हैं। जब काम करने की बारी आए वह खिसक गया, ठीक है। अब इसको पास्ट में बना, जैसे कि जब काम करने की बारी आई तो मैंने कम्स नहीं आया, मैंने कैम आया, मैंने कैम टू, इसके बाद आपको आई जी फॉर्म यूज करना है। मैंने कैम टू वर्किंग, When it came to working,
वह खिसक गया तो ही मूव्ड। जब काम करने की बारे में मैंने कैम टू, यहाँ पर कैम सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया, मैंने कैम टू वर्किंग, इसके साथ हमेशा आई एन जी यूज करोगे जब कभी भी कभी कभी सेंटेंस बनाए, मैंने कैम टू वर्किंग ही मूव्ड। ठीक है, मैं खिसक खिसक गया तो ही मूव्ड आ गया, जब काम करने की बारी आई तो वह खिसक गया, मैंने कैम टू वर्किंग ही मूव्ड। तो फ्रेंड्स, जब कभी आपको लगता है कि ऐसे काम करने की बारी आई तो इस स्ट्रक्चर को यूज करिए, व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद जो भी आपकी मैनपावर होगी उसमें आपको आई एन जी यूज करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रही आज की क्लास, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में।